और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और साथ ही साथ आपको बेल आइकन को भी प्रेस करना है जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचते रहें। और हाँ, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लग्जरी स्टाइल कॉर्नर। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना एक रिव्यू जो कि होने वाला है एक मेकअप प्रोडक्ट के बारे में। सो वो प्रोडक्ट है फ्रॉम द ब्रांड nybae, एंड लेट मी शो यू द प्रोडक्ट। ये है प्रोडक्ट nybae के फाउंडेशन कंसीलर कंटोर कलर करेक्टर स्टिक्स। सो ये कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट है, nybae ब्रांड का है, एंड ये एक फाउंडेशन एक स्टिक है जो कि आप इसमें एज ए लिखा हुआ है फाउंडेशन कंसीलर कंटोर और कलर करेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो ये मैंने ये पर्पल से बाय किया था, एंड इसका जो एक्चुअल MRP है वो इसमें लिखा हुआ है 115 रुपीज़, बट आपको ये purple.com में बहुत अच्छे खासे डिस्काउंट में मिल जाएगा। ओके, सो ये जो स्टिक्स है इसकी काफ़ी वाइड वेराइटी आपको purple.com में मिल जाएगी, लाइक 20 शेड्स आपको इसके डिफरेंट मिल जाएंगे जो कि आप करेक्शन के लिए और हाइलाइटिंग के लिए और कंसीलर के लिए फाउंडेशन के लिए किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो इसका आउटर पैकेजिंग जो है वो कुछ इस तरीके का कार्डबोर्ड पैकेजिंग है, और मैंने इसके 2 शेड्स जो हैं वो बाय किए हैं purple.com से। ये 2 शेड्स हैं जो मैंने परचेज़ किए थे। ठीक है, सो कुछ इस तरीके का आउटर पैकेजिंग है, इसके अंदर स्टिक्स हैं। सो जो मैंने 2 शेड्स लिए हैं वो एक तो है गोल्डन शेड है, एंड द अदर वन इज़ टोस्ट। सो एक जो है वो मेरे स्किन कलर का है, ये वाला, और जो दूसरा है वो ये है जो कि मैंने कंटोरिंग के लिए परचेज़ किया था। सो ये 2 शेड्स हैं। अच्छा, अब इसका बाहर से जो है मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या है इसमें, एक्चुअल बाहर में क्या दे रखा है कार्डबोर्ड पैकेजिंग में। इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग डेट बोले तो वो है February 2019। आपको इसमें अच्छा खासा 2 ईयर्स का टाइम पीरियड मिल जाता है स्टिक को यूज़ करने के लिए, यानी कि 2021 तक आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। ओके, और इसमें जो टोटल प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है 4.2 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट, आपको 115 रुपीज़ में मिल जाएगा, और 115 रुपीज़ MRP है, इसमें डिस्काउंट होगा तो फिर बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद जो इसमें दे रखा है कि ये क्या करती है ये स्टिक्स जो है, इसमें लिखा हुआ है गिव्स यू अ परफेक्ट बेस टू वर्क अपॉन, कैमोफ्लेजेस स्किन इररेगुलरिटीज, लाइट वेट फार्मूला, लॉन्ग वेयर, ब्लेंड्स लाइक अ ड्रीम, मल्टी यूटिलिटी। या दैट्स ट्रू, मल्टी यूटिलिटी तो है क्योंकि इससे आप फाउंडेशन कंसीलर कंटोर कलर करेक्शन के लिए इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो मल्टीटास्किंग तो है ही इसकी। बाकी के जो है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, बट मैं अभी आपको एक्चुअल प्रोडक्ट दिखा देती हूँ। सो ये आउटर पैकेजिंग है, अब हम जाते हैं इसकी इनर पैकेजिंग के अंदर। तो ये एक स्टिक की फॉर्म में आपको मिलेगा इस तरीके से, ये एक स्टिक है, और जो शेड है इसके अंदर भी मेंशन है स्टिक में, ये इस तरीके से जो शेड्स हैं, नेम एंड नंबर्स जो है वो आपको इसमें भी मिल जाएंगे। ओके, सो गोल्डन जो है वो 3 दे रखा है नंबर में, और टोज जो है वो 7 दे रखा है। सो जो मैंने 2 शेड्स लिए हैं वो एक तो ये है, पता नहीं इसमें कुछ इस तरीके का साउंड भी आ रहा है कुछ अलग सा, आई डोंट नो, यू कैन, ये मुझे नहीं पता ये इस तरीके का साउंड क्यों आ रहा है, बट ये बुलेट में से तो बाहर ऐसा कुछ नहीं निकल रहा है कि निकल रहा हो या ऐसा कुछ। तो इसमें टोटल आपको इतना प्रोडक्ट मिल जाता है, ये एज अ बुलेट फॉर्म में आपको मिल जाएगा। काफ़ी प्रोडक्ट है इसके अंदर, आप यूज़ कर सकते हैं, और मैंने इसमें से काफ़ी प्रोडक्ट यूज़ भी कर लिया है। सो मैंने जो आज ये मेकअप लुक क्रिएट किया है, ये मैंने एक्चुअली दुर्गा पूजा का मेकअप लुक क्रिएट किया है, आप प्लीज उस वीडियो को भी चेकआउट कर लीजिएगा। तो उसके अंदर मैंने जो अपना बेस किया है वो इसी स्टिक की हेल्प से किया है। तो इसका जो ये गोल्डन वाला शेड है ये कुछ इस तरीके का है, ये है इसका शेड, आई होप यू कैन सी, ये इस तरीके का शेड है, और ये ऐसे ब्लेंड हो जाता है। ये है, सो
मुझे लगता है मेरे स्किन के लिए ये परफेक्ट मैच कर रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं पता चल रहा है। सो ये गोल्डन वाला शेड है, और जो टोस्ट है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये इतना आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, ये एज अ कंटूरिंग बहुत अच्छा शेड है, और इसका जो शेड है वो ये है, दिस इज़ द शेड। ये टोस्ट है जो कि आप कंटूरिंग के लिए बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। सो ये है। तो अब मैं बात करूँ इन स्टिक्स के फॉर्मुलेशन की, काफ़ी क्रीमी फॉर्मुलेशन है। बहुत ज़्यादा अगर समर्स का टाइम है और उस टाइम पर अगर आप इसे यूज़ करते हैं तो थोड़ा टैकी हो सकता है इसको ब्लेंड करना और इसको सेट करना, क्योंकि ये क्रीम स्टिक्स है, क्रीमी का स्टिक्स है, तो इट इज़ गुड। ये इस विंटर्स के लिए बहुत अच्छी है। आज भी मैंने इसे यूज़ किया है एंड काफ़ी टाइम हो गया मुझे इसको लगाए हुए। मैं और भी बैक टू बैक वीडियोज़ जो है मैंने शूट की हैं, सो अभी तक ये अच्छे से सेट हो रखा है, टिका हुआ है मेरे फेस पे। थोड़ा बहुत स्वेटिंग है, बट ऐसे ये एसेज उतरा नहीं है, उतरा बिल्कुल नहीं है मेरे फेस पर, अभी भी टिका हुआ है। सो ये आपको टिक जाएगा आपके फेस पर 2 to 3 hours तक आराम से लगा रह जाएगा, नहीं हटेगा। उसके बाद आपको थोड़ा सेट करने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि ये क्रीमी है टेक्सचर में। उसके बाद कलर्स जो है वो काफ़ी अच्छे, काफ़ी वाइड वेराइटी में आपको इसके अंदर अवेलेबल हैं। आप अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग या अपनी नीड के अकॉर्डिंग कलर चूज़ कर सकते हैं। करेक्शन के लिए आप जो कलर चाहिए, ग्रीन है, ऑरेंज है, पीच है, इस तरीके के शेड्स हैं। एंड जो कंटूरिंग के लिए हैं, ब्राउन्स हैं, अलग अलग लाइट कूल टोन टू अलग अलग टाइप के ब्राउन्स हैं। एंड जो फाउंडेशन के लिए आप चूज़ करेंगे अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। सो ब्लेंडेबिलिटी, ब्लेंड बहुत अच्छे से हो जाते हैं क्योंकि क्रीमी है इनका टेक्सचर, तो ब्लेंड होने में इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं करते। क्रीमी के साथ साथ बहुत ज़्यादा थिक कंसिस्टेंसी में नहीं है, क्योंकि जो थिक कंसिस्टेंसी में फाउंडेशन या स्टिक्स होती हैं वो थोड़ा ब्लेंड होने में दिक्कत करती हैं, तो ये बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, तो इसलिए बहुत अच्छे से स्मूथली ग्लाइड हो जाती हैं आपके फेस पर। आप इसको ब्यूटी स्पंज की हेल्प से या फिर ब्रश की, ब्यूटी ब्रश या ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से आप इसे दोनों तरीके से ब्लेंड कर सकते हैं। दोनों तरीके से ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाते हैं। बाकी स्पंज से है, जो ब्यूटी स्पंज से, वो उससे तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये ब्लेंड हो जाते हैं। ओके, सो बाकी कलर पे ऑफ अच्छा देते हैं ये, और काफ़ी सारी वाइड वैरायटी है इसकी, तो आप अपने नीड के अकॉर्डिंग इन्हें चूज़ कर सकते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग। एंड बाकी मैंने इनको यूज़ किया है, मैं काफ़ी टाइम से इनको यूज़ कर रही हूँ और इनके साथ ऐसी कोई दिक्कत नहीं मुझे फेस करनी पड़ती है मेकअप को लेकर के। 2 to 3 hours जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत अच्छे से टिक जाते हैं। अगर आप इनको विंटर्स में यूज़ करेंगे तो मुझे लगता है कि ये और ज़्यादा 5 to 6 hours तक भी आपके फेस पर टिके रहेंगे, क्योंकि उस टाइम पर हमें स्वेटिंग वगैरह इतनी होती नहीं है, विंटर्स में स्वेटिंग होने का तो मतलब नहीं है, तो उस टाइम पर आपके फेस पर ये ज़्यादा टिकेंगे। लेकिन मैंने इन्हें समर्स में यूज़ किया है, अभी स्वेटिंग हो वगैरह होती है, तो उस टाइम पर भी ये आपके फेस पर 2 to 3 hours तक आराम से रह लेते हैं। बट इनको अच्छे तरीके से आपको पाउडर कॉम्पैक्ट की हेल्प से सेट करना पड़ेगा, तो फिर ये अच्छी तरीके से आपके फेस पर रहेंगे, एज़ यू कैन सी। एंड आप देख सकते हैं मैंने इसे अपने फेस पर आज अप्लाई किया हुआ है। ओके, सो NYBae के प्रोडक्ट्स आर गुड, अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, मैं इन्हें यूज़ कर रही हूँ, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये पॉकेट फ्रेंडली हैं, अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स हैं। आप इन्हें बहुत अच्छे, मतलब बहुत आसानी से ख़रीद सकते हैं। इसमें पर्पल से आप जो ख़रीदते हैं वो आपको बहुत ही जल्दी रिसीव हो जाता है, टाइम से पहले रिसीव हो जाते हैं प्रोडक्ट्स जो हैं। और NYBae के प्रोडक्ट्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स कहें या फिर अदर प्रोडक्ट्स कहें, तो वो बजट फ्रेंडली हैं, और उसके साथ साथ आपको उसमें अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाता है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ये 115 rupees के इसका MRP है, लेकिन मुझे एक्चुअली में ये 50% डिस्काउंट पर मिले थे, जिसमें कि आपको ऑफर्स में रहते हैं, लाइक आप 10 अगर आप अपने कार्ट में प्रोडक्ट डालोगे तो आपको फ्लैट 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये ऑलमोस्ट मुझे कितने का पड़ा है, 55 to 60 rupees के बीच में मुझे ये प्रोडक्ट पड़ा है, तो बहुत महंगा नहीं है, ठीक है एक्सपेरिमेंट करने के लिए, और वैसे भी ये अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, बहुत ज़्यादा इसकी कवरेज जो है वो लाइट टू मीडियम कवरेज देता है, एज़ यू कैन सी, बहुत ज़्यादा हाई कवरेज ये नहीं देगा, तो लाइट टू मीडियम कवरेज देगा। आप इसे यूज़ कर सकते हैं डेली के लिए भी, लाइक योर कॉलेजेस या फिर आपके ऑफिस के लिए ये ठीक है, डेली वेयर के लिए भी ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाई कवरेज नहीं देता है, नेचुरल सा लुक आपको देगा ये। आज मैंने थोड़ा एक्सेस अपने फेस पर लगाया है बिकॉज मुझे मेकअप लुक क्रिएट करना था, थोड़ा एक्स्ट्रा लगाया है, लेकिन आप अगर इसको नॉर्मल
नॉर्मल क्वांटिटी में अगर अपने फेस पर अप्लाई करते हैं तो ये काफ़ी अच्छा और नेचुरल सा लुक आपके फेस को देगा। ये बहुत ज़्यादा वैसा नहीं देगा आपके फेस को लुक की, बहुत मेडअप सा लग रहा है, जो कि हम डेली इस तरीके से मेकअप वेयर करते भी नहीं हैं। तो उस हिसाब से ये जो स्टिक्स हैं ये बहुत सही हैं और यही है, काफ़ी अच्छी स्टिक्स है। बट मुझे ये नहीं समझ आया कि इसमें से एक में से इस तरीके की आवाज़ क्यों आ रही है। आई डोंट नो, स्टिक के अंदर तो कुछ भी नहीं है बट फिर भी ये हिल रहा है, कुछ अंदर आवाज़ें आ रही है। तो दैट्स इट। तो बाकी अच्छी स्टिक्स हैं, आप यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, अफोर्डेबल है, आप ट्राई कर सकते हैं, एक बार तो कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज। ये था मेरा आज का वीडियो, जो कि था ये nybae के स्टिक्स को लेकर के, जो कि है फाउंडेशन, कंटोर, कंसीलर, कलर करेक्टर स्टिक्स, जो कि बहुत सारे मल्टीटास्किंग, मल्टीपर्पज़ आपको सर्व करती हैं स्टिक्स। सो यही था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ मेरे इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।